वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और अभी चल रहा है आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है सो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट और वेट मास एंड डेंसिटी आप लोगों का कम्प्लीट हो चुका है। ये है चैप्टर नंबर 3 स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसका पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 3.2। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर नहीं किए हो तो, और ये जो फेसबुक पेज देख रहे हो अनलिमिटेड एजुकेशन, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के आप लोग लाइक कर देना। और कोई भी मैसेज अगर करना होगा तो देखो, फेसबुक पेज पे अगर मैसेज करोगे या इस मेल आईडी पे अगर मैसेज करोगे, मेल आईडी है contact@unlimitededucation.in, तो अगर इन दोनों जगह पे आप मैसेज करते हो तो ज्यादा चांस है कि मैं रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट में क्या होता है कि डेली 4 से 5 वीडियोज आते हैं चैनल पे, तो काफी ज्यादा कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो हर एक कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जो जेन्युइन कमेंट होता है उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई वैसा प्रॉब्लम हो जो जरूरी है जानना, तो आप लोग फेसबुक पेज पे मैसेज करो या मेल आईडी पे मेल करो। देखो कुछ बात है, पहली बात आप लोग ये जान जाओ कि नंबर ऑफ टीचर्स इंक्रीज हो गए हैं हमारे चैनल पे, और एक दो टीचर्स से और मेरी बात हो रही है तो वो भी आ जाएंगे। तो सारा ट्रेड सिलेबस आपको हमारे चैनल पे ही कवर करवा दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप लोगों को ज्यादा नहीं सोचना है। दूसरी बात कि जो भी बुक मैं फॉलो करवाऊंगा उसका जो लैंग्वेज होगा मैं वही लैंग्वेज में फॉलो करवाऊंगा। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप लोग सिर्फ अपना सोच रहे हो। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो वो बोलते हो इंग्लिश मीडियम में बताइए, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हो वो बोलते हो सिर्फ हिंदी में बताइए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मैं जो भी चीज आप लोगों को बताऊंगा थ्योरिटिकल पार्ट, वो कोशिश करूंगा इस तरह से बताऊं कि इंग्लिश वाले भी समझ जाए और हिंदी वाले भी समझ जाए। लेकिन अगर मैं बुक फॉलो करवाता हूं आपको रुकमणी पब्लिकेशन का द प्लेटफॉर्म का, जो मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो बुक कंप्लीट हिंदी में है तो वो हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर उसका हिंदी में है तो हिंदी में ही रहेगा। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बुक मार्केट में आता है तो आप लोगों को इस बात की पूरी गारंटी है कि आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का बुक का क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप लोगों को नहीं सोचना है। और जैसे स्पीडी सीरीज है आपका जनरल साइंस का, तो वो हिंदी में आता है तो वो हिंदी में पढ़ाया जाता है, अगर वो इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। मुझे सब लोगों को लेकर के चलना है, हिंदी मीडियम वाले को भी और इंग्लिश मीडियम वाले को भी, टैलेंटेड को भी और जो थोड़ा सा वीक है उनको भी। यही रीजन है कि मैं एक चीज को 2 बार 3 बार समझाता हूँ, जो टैलेंटेड हो वो तो एक बार में समझ जाते हो, लेकिन भैया दूसरे का भी तो सोचो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले लेक्चर में आप लोगों का 10-12 क्वेश्चन मैंने करवाया था और कुछ थ्योरी बताया था। एक थ्योरी आपको और मैं बताता हूँ, आप लोग ये स्पीड और वेलोसिटी देख रहे हो ना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आपको एक एक चीज इसमें जानना जरूरी है। तो स्पीड का डेफिनेशन समझ गए, वेलोसिटी का डेफिनेशन समझ गए। एक चीज आप देखो कि यूनिट जो होता है ना, यूनिट ये स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो, तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दोनों के बारे में बात करें, कुछ भी हो सकता है, मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, फीट पर सेकेंड भी हो सकता है, फीट पर आवर भी हो सकता है। आप लोगों को इसके बारे में नहीं सोचना है, किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, मतलब सिंपल सी बात है कि स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सिंपल सा बात है, ऊपर वाला पोर्शन डिस्टेंस होना चाहिए और नीचे वाला पोर्शन टाइम होना चाहिए। हाँ तो वो बात अलग है कि अगर आपसे SI पूछेगा तो आप मीटर पर सेकंड मारोगे SI, अगर आपसे CGS पूछेगा तो आप सेंटीमीटर पर सेकंड मारोगे, वो बात अलग है। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस आपका फीट में दिया हुआ है और आपका टाइम आवर में दिया हुआ है तो यूनिट फीट पर आवर भी हो सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझो। इसके बाद एक दो चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक ये तो आपको जानते होंगे कि द रेशियो ऑफ एनी यूनिट ऑफ डिस्टेंस टू एनी यूनिट ऑफ टाइम इज अ यूनिट ऑफ स्पीड, जो मैंने बताया उसी को आप ऐसे करके लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ एनी यूनिट ऑफ डिस्टेंस टू एनी यूनिट
ऑफ टाइम है ना, इज अ यूनिट ऑफ स्पीड। तो ये आपका जो मैंने बताया आपको ये समझा के वही चीज है ये लाइन में लिखा हुआ। उसके बाद एक चीज है, स्पीड के बारे में पढ़ रहे हो तो आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट होता है आपका, ये होता है 3×10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, याद रखना। और ये होता है वैक्यूम में, इसमें होता है वैक्यूम में, तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा किसी भी चीज का वेलोसिटी इसके इक्वल या इससे लो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ओके। तो ये चीज आप लोग समझ गए। एक चीज मैं आप लोगों को छोटा सा ये क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोग इंस्टेंटेनियस वर्ड सुने होंगे, इंस्टेंटेनियस, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। देखो ये सारा चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, जैसे बता रहे हैं जानना जरूरी है। सबसे पहले आप ये देखो, ये लाइन है, ये कोई घर है, ये कोई घर है, ठीक है, ये कोई घर है, ओके, ये घर है। चलो एक बच्चा है आपका यहाँ पे, एक चाइल्ड है यहाँ पे, ओके। एक चाइल्ड, ये चाइल्ड चल के मान लो यहाँ पे आ गया, ये चाइल्ड चल के यहाँ पे आ गया, फिर चल के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ओके। तो एक बात बताओ, मान लो इसका वेलोसिटी या स्पीड आप जो समझो, ये था स्पीड समझो, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे था ये 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे था ये आपका 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग बात करते हैं, और यहाँ से डिस्टेंस है आपका 1000 मीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे आपसे स्पीड के बारे में, तो आप बताओ, ये पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ सी। तो एक चीज जैसे जैसे मैं बोलूंगा ध्यान से सुना, ए पे इस बच्चा का स्पीड कितना था, तो 6 मीटर पर सेकेंड, बी पे इस बच्चा का स्पीड कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, सी पे इस बच्चा का स्पीड कितना था, 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलो अगर एवरेज स्पीड का बात किया जाए तो, ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम टेकन, जो भी समझो टोटल टाइम। तो मान लो एक मिनट के लिए कि इसको यहां से यहां जाने में 200 सेकेंड लगा, ठीक है, 200 सेकेंड लगा यहां से यहां जाने में। तो सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस था 1000 मीटर और टाइम लगा इसको 200 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, ये है एवरेज स्पीड, ये क्या है, एवरेज स्पीड। अब आप बताओ, एवरेज स्पीड एक ऐसा स्पीड कह सकते हो आप कि उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पर सेकेंड मान के कि हाँ भैया 5 मीटर पर सेकेंड का इसका एवरेज स्पीड है, मतलब ये हर 5 मीटर 1 सेकेंड में जाता है और 200 सेकेंड में वो 1000 मीटर जाता है। बट क्या ये सही है, एवरेज स्पीड के केस में तो सही है कि इजी कैलकुलेशन करने के लिए कि 5 मीटर पर सेकेंड है और 200 सेकेंड के लिए वो जा रहा है तो 1000 मीटर चला गया। बट क्या ये थ्योरिटिकली हर सेकेंड के लिए सही है, तो नहीं, हर सेकेंड के लिए सही नहीं है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। जैसे कि आप इसको क्रिकेट मैच का रन रेट के हिसाब से समझ सकते हो, एवरेज रन रेट, किसी ओवर में 6 लग जाता है तो क्या होता है, 24 रन आ जाते हैं उस ओवर में, किसी ओवर में विकेट गिर जाता है तो क्या होता है, 5 रन आते हैं उस ओवर में। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 50 ओवर का मैच में 300 रन स्कोर हुआ है बाय इंडिया टीम, ठीक है, बाय एनी टीम। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, हाँ 6 का रन रेट है, लेकिन क्या हर ओवर में 6 का रन रेट था, नहीं, किसी ओवर में 24 था, किसी ओवर में 5 था, किसी ओवर में 0 था, बट एवरेज कैलकुलेशन आसान कर देता है। तो ये चीज है। अब बताओ ये स्पीड क्यों बोले, इसलिए बोले कि इसमें डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को पता नहीं था। अब चलो बात करते हैं डायरेक्शन की। अब मैं डायरेक्शन देता हूँ, ध्यान देना, डायरेक्शन देता हूँ राइट साइड की तरफ, डायरेक्शन दे रहा हूँ। अब बताओ ये क्या, तो ये है वेलोसिटी,
इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नहीं था तो क्या था, स्पीड, बट अब है ये वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट सी पे वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो ये होता है एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करते हैं एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंट ऑफ टाइम। मान लो आप कि यहां पे 1 सेकेंड था, यहां पे आप मान लो 145 सेकेंड था, और यहां पे आप मान लो 175 सेकेंड था। तो आप ये कह सकते हो पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड। जब डायरेक्शन रहेगा तो वेलोसिटी और डायरेक्शन नहीं रहेगा तो स्पीड, ठीक है। 175th सेकेंड में इंस्टेंटेनियस स्पीड था 8 मीटर पर सेकेंड जब डायरेक्शन ना दिया था, और जब दिया हुआ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ये कंसेप्ट आप समझ गए। तो इंस्टेंटेनियस डिफाइंड करता है आपको एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, सिर्फ उस टाइम के लिए डिफाइंड करता है, और एवरेज डिफाइन करता है होल, पूरा यहां से लेके यहां तक का एवरेज डिफाइन करता है। तो ये था आपका कंसेप्ट, एग्जैक्ट कंसेप्ट। अब चलो एक बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड आप समझ गए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप समझ गए, लेकिन अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात किया जाए, देखो स्पीड और वेलोसिटी को सेम समझो, जब डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड और डायरेक्शन है तो वेलोसिटी, ओके, इतना बस क्लियर करना। अब बताओ मैं एक चीज आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि कंसेप्ट क्या है। ये था आपका, यहाँ पे घर था, है ना, ये बच्चा, ये चाइल्ड आपका यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, आया अलग अलग बार आया, ठीक है, ये आपका 1000 मीटर के डिस्टेंस पे है। चलो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका निकालता हूँ इस जगह पे, मान लो इस जगह पे 1 मिनट के लिए आप मान लो कि 150 सेकेंड हो रहा होगा यहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो वो तो आप निकाल लोगे। तो देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको इस तरह से भी डिफाइंड किया जाता है, भी एवरेज, एवरेज के लिए बार यूज करते हैं, तो ये होता है आपका डेल एस बाय डेल टी, ये क्या होता है आपका डेल एस बाय डेल टी, ये क्या होता है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और इसको जैसे कि मान लो यहाँ पे है एक्स टू और यहाँ पे है आपका एक्स वन, तो आप इसको लिख सकते थे एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डेल टी आपका जो भी आपका टाइम लगा, मान लो यहाँ पे आप 5 सेकेंड पे थे और यहाँ पे आप 2 सेकेंड पे आ गए, 200 सेकेंड पे आ गए, तो आपको 195 सेकेंड लगाना। तो इस हिसाब से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एक चीज बताओ, ये तो आप समझ गए कि हाँ भाई एवरेज वेलोसिटी जो है सो डेल एस वाई डेल टी होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस बताना है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है, तो इसके लिए क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो एट अ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस फिगर में मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपसे पूछा 150वां सेकेंड पे कि यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो डेल एक्स, दो चीज चाहिए, दो चीज चाहिए डिफरेंस करने के लिए, तो दो चीज तो आपके पास है नहीं, एक फिक्स्ड टाइम पे एक जगह पे था तो उसका डिफरेंस क्या होगा, उसका तो डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। डिफरेंस कब होता है, जब एक चीज यहाँ हो एक चीज यहाँ हो तब ना आप डिफरेंस निकालोगे। मैं इसी जगह पे बोल रहा हूँ कि आपको डिफरेंस बताना है, तो आप बता सकते हो नहीं बता सकते, तो आप एक स्टेप और लिखो, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से होना चाहिए, मतलब आपका तो ये डायरेक्शन बता रहा है, इसमें आप लोग परेशान मत होना, ये डायरेक्शन क्योंकि वेलोसिटी यूज किए है ना, तो हम लोग
डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से डायरेक्शन यूज करके मैं बता रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डायरेक्शन अगर यूज नहीं करेंगे तो वो डिस्टेंस का काम करेगा। तो ये चीज अब बताओ, ये आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर जीरो, और फिक्स्ड टाइम है 150 सेकेंड, तो यहाँ पे चेंज इन टाइम क्या होगा, जीरो। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से जीरो बाय जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। तो न्यूटन दादा ने क्या किया, एक नया कंसेप्ट लगा दिया लिमिट का, एक नया कंसेप्ट क्या लगा दिया, लिमिट का, और उसने इस तरह से डेफिनेशन दिया, उसने क्या डेफिनेशन दिया कि हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट डेल टी, ये जो है सो जीरो नहीं है, क्लोज टू जीरो है, डेल टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, डेल एक्स, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, उन्होंने ये कंसेप्ट लगा दिया, ये कंसेप्ट उन्होंने लगा दिया ताकि जीरो नहीं है, देखो क्लोज टू जीरो है, जैसे कि 150 सेकेंड है तो इधर आप 149 सेकेंड करो और इधर आप 151 सेकेंड करो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा गैप 151 और 149 का 2 सेकेंड का गैप हो जाएगा, तो 2 सेकेंड, ये समझाने के लिए है, 149.99 इधर करो और 150.01 इधर करो तो और छोटा सा गैप हो जाएगा, फिर उसके बाद आप और छोटा करो उसको तो और छोटा सा गैप होगा, मतलब जितना हो सके जीरो के क्लोज जाना है, जीरो नहीं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने डिफाइंड किया इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी को। तो इसको आप लोग अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग छोटा सा डेफिनेशन लिखो, फिर ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा, वो समझाने के लिए था आपको। अगर अभी भी नहीं समझे तो देखो एक लाइन लिखो, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा ना तो रीडिंग मारोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ये क्या बताता है आप लोगों का, तो ये बताता है टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल है ना, ये बताता है इंटरवल, बट डजंट टेल अस हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब एवरेज वेलोसिटी तो ये बता देता है कि आपका टोटल टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस आप गए फास्ट, कितना फास्ट आप गए, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक फिक्स्ड टाइम पे आप कितना स्पीड में थे, ये नहीं बताता, तो वही डिफाइन करता है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो इसको क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं लिमिट, जो अभी आपको बताया, डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी, ये है आपका किसका फॉर्मूला है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड समझो या वेलोसिटी समझो, अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड समझो, और अगर डायरेक्शन ले लेते हम लोग, अगर डायरेक्शन हम लोग ले लेते तो आप वेलोसिटी कह सकते हो इसको, तब आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे, ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आप समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। देखो ये जो आप देख रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो ये है आपका एवरेज वेलोसिटी, तो लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इसको एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हो आप लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी है ना, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर का नाम ही है स्पीड एंड वेलोसिटी, इसलिए हम लोग इतना डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट है, ये अगर समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलो एक चीज मैं आप लोगों को और अच्छे से बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ,
क्वेश्चन अगर करवा देंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है, आप ऐसे समझो, एक क्वेश्चन है इस तरह से आपका दिया हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप उसको थोड़ा ध्यान से देखना। -160 -120 -80 80 -40 माइनस, ये जीरो है आपका, फिर ये 40, ये आपका 40 के बाद 80, उसके बाद इस तरह से आपका गया 120, उसके बाद आपका चला गया 160, फिर 200, फिर आपको और आगे ले जाओ 240, फिर 280, फिर 320, फिर 360, इस तरह से आप ले गया। यहाँ पे आपका पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पॉइंट O दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो है सो पॉइंट Q दिया हुआ है, ये है। और क्वेश्चन है आपका अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या अ कार इज मूविंग, एक कार जो है सो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइन से ओपी, से ओपी, मान लो कि ओपी इस स्ट्रेट लाइन में कार जा रही है, ओ से लेकर के पी तक, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी, ये आपका दिया हुआ है, इन 18 सेकेंड, इन 18 सेकेंड। देखो इतना हाई लेवल का रेलवे में एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, फिर इसके बाद हम लोग रेलवे के लेवल पे ही फोकस करेंगे, जो रेलवे का लेवल होगा सिर्फ उतना पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओ टू पी इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न्स, एंड रिटर्न्स ये वापस आता है फ्रॉम पी टू क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, आपको बताना है आपको क्या निकालना है, देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये आपको निकालना है। केस आपका दिया हुआ है, केस नंबर 1 दिया हुआ है आपका फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी, और दूसरा केस आपका दिया हुआ है फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, बैक टू क्यू, ये केस है। अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, एक गाड़ी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ओ से पी इसको जाना है, ठीक है, तो ओ से पी ये 18 सेकंड में गया और रिटर्न आया पी से क्यू, यहां से यहां गया 18 सेकंड में और पी से वापस क्यू तक आया 6 सेकंड में, ठीक है, ये आपका डिटेल्स दिया हुआ। तो आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो केस 1 में ओ से पी, तो ओ से पी पे हम लोग बात करते हैं, तो ओ से पी का डिस्टेंस देखो 0 से 360, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आप लोग बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है 0 से 360, ओ से पी देखना है, तो 360 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, तो 18, तो स्पीड आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में मान लो, सब कुछ मीटर में मान लो, ठीक है, सारा मीटर में मान लो, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये एवरेज स्पीड। अगर एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका भी वही चीज होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल होता है, डिस्प्लेसमेंट जो भी है बाय टाइम इंटरवल, क्योंकि एवरेज आ गया ना, तो टाइम इंटरवल। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो देखो यहां से ओ से स्टार्ट हुआ और पी तक है, यानी इसमें भी प्लस 360 का डिस्प्लेसमेंट है और टाइम कितना लगा, तो 18 सेकेंड लगा, इसमें भी ये मीटर कर लो और ये सेकेंड कर लो, तो इसमें भी आपका कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो इस केस में आप देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही है। आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है, तो टोटल टाइम नीचे में है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, तो आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ गया।
बट किसके केस में देखते हैं, फ्रॉम ओ से पी और पी से क्यू, वापस पी से क्यू, तो एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जगह का मैं आप लोग समझना। तो टोटल डिस्टेंस, तो ओ से पी गया 360 और पी से क्यू वापस आया, तो 360 से 240 वापस आया, तो कितना आपका गैप है देखो, 240 360 के बीच में, तो 120 का, 120 का, तो 360 और प्लस 120, 360 गया और उसके बाद फिर से 120 चला, 360 से वापस देखो 40 40 40 है ना, तो इतना बटे टाइम कितना लगा इसको, तो पी तक जाने में 18 सेकंड लगा और फिर 6 सेकंड यहाँ लगा आने में क्यू तक, तो 18 प्लस 6 तो कितना हो गया 300 100 400 और 80 480 डिवाइडेड बाय आपका 24, तो ये आपका हो गया 20 मीटर पर सेकंड है ना, इतना मीटर इतना सेकंड, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया एवरेज स्पीड का। बट एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो कितना आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी आप देखो, तो हम लोग क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट, हमेशा आपको ये चीज याद रखना है, दिमाग में बैठा लो कि डिस्टेंस का बात करें तो जहां गया जितना गया सबको ऐड करो, बट डिस्प्लेसमेंट का बात हो तो स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन, यहां से यहां गया था पी तक लेकिन वापस पी से क्यू तक आ गया, तो फाइनली यहां पे है अभी, यहां से स्टार्ट किया था और अभी यहां पे, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो 240 है, तो 240 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, तो ओ से पी तक गया 18 सेकेंड और पी से क्यू आया 6 सेकेंड, तो 18 और 6 24 सेकेंड, तो ये टाइम लगा 24 सेकेंड, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो कि इस केस में क्या हुआ, चेंज हो गया ना, इस केस में स्पीड आया आपका 20 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये चीज आप समझ गए, क्लियर समझ गए। तो ये था कंसेप्ट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, एक क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। और ये जो मैंने आपको फिगर से बताया था, इंस्टेंटेनियस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पार्टिकुलर इन टाइम, जिस टाइम में पूछेगा उस टाइम में जो दिया हुआ रहेगा वही आंसर हो जाएगा। और एक ये मैंने आपको बताया था, इस डेफिनेशन को आप लोग ध्यान दे देना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो आया उसी का लिमिट अगर लगा देते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों का, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देखते हैं, फिर कुछ बाकी कंसेप्ट है फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग देखो, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग जो है ना, दो तीन बात है मेरे मन में, आप लोग ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर वन कि मैंने कुछ चीज आप लोगों को ज्यादा बता देता हूं, मैं कुछ चीज आप लोगों को कि ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाए, तो आप लोग कुछ ज्यादा ही समझ लेते हो, तो इस बारे में आप लोग जरा सोचो। मैंने पिछले लेक्चर में वर्क के बारे में बताया था कि एक बच्चा एक ब्लॉक को लेकर के यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां गया और फिर वो यहां से यहां आया, तो फाइनली वो जीरो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो वर्क डन जीरो होगा। देखो अभी होता है कि नहीं ये नहीं मैं बता रहा हूं, मैं पास्ट का हिस्ट्री बता रहा था आप लोगों को, एकदम स्टार्टिंग में जब वर्क का डेफिनेशन आया था मार्केट में, ठीक है, उस समय का बात मैं बता रहा हूं कि पहले यही डेफिनेशन था ओनली, फिर बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई होता है हर चीज में, तो बाद में डेफिनेशन ये आया कि नहीं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगे, जहां पे एनर्जी का कंजम्पशन हो हर जगह पे वर्क होता है, तो ये मैं भी जानता हूं, लेकिन आप लोग ये चीज समझते नहीं हो, आप लोग समझते हो, कुछ लोग नहीं समझते हैं, वो कमेंट कर देते हैं। देखो क्लियर, मैं आपको बोलूं कि पहले के जमाना में कंप्यूटर का जो साइज होता था ना, वो रूम के बराबर का होता था, ये रूम है, रूम के बराबर का साइज होता था, इतना बड़ा होता था, बट अभी कंप्यूटर का साइज इतना छोटा होता है। आप कमेंट करोगे सर आप गलत बोल रहे हो, कंप्यूटर का साइज तो छोटा होता है, रूम के बराबर आप क्यों बोल रहे हो, तो यार ये कंट्राडिक्शन टाइप समझ में नहीं आता, ये चीज क्यों हो रहा है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि पास्ट में पहले होता था ऐसा, अभी ऐसा है, उसी तरह से मैंने रेफरेंस पॉइंट ये समझाने के लिए आप लोगों को
एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। एरोप्लेन का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जब आप लोग आसमान में जाओगे, बादल के ऊपर फ्लाइट ट्रेवल जाती है और रेफरेंस पॉइंट नहीं रहता, तो हम लोगों को पता चलता है कि ये फ्लाइट रेस्ट में है, रुकी हुई है, स्लो है। मैंने रेफरेंस पॉइंट को समझाने के लिए दिया था और मैंने बोला था कि ऊपर में 350, 450, 250, 150 कितना का भी स्पीड चलता है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि इतना स्पीड चलता है। इस पे एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर एरोप्लेन का जो रेंज होता है वो 750 से 1500 होता है। एक बात बताओ, मैंने कहीं पे आपको बताया है कि एरोप्लेन का रेंज जो है सो 250, 150, 350 होता है? कहीं पे भी मैंने नहीं बताया। मैंने आपको समझाने के लिए, रेफरेंस पॉइंट समझाने के लिए आपको बताया था कि ऊपर में 450, 250, 150 किसी का स्पीड में चले हम लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। ये तो वही वाली हाल हो गई ना कि ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये गाड़ी चल रही है, मान लो बुलेट ट्रेन चल रही है 110 किलोमीटर के स्पीड से, तो आपको पता चलेगा कि जो ये बुलेट ट्रेन आपसे जो है सो 50 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे भाग रही है। अब आप कमेंट करोगे कि सर बुलेट ट्रेन जो है सो 110 नहीं 500 पे जाती है, तो यार ये इलॉजिकल टाइप का कमेंट आप लोग मत किया करो, ठीक है, जेन्युइन कमेंट करो। कहीं मिस्टेक होता है, जैसे एक स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करना, तो मैंने वो कमेंट देखा और मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से लेकर के आया हूँ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, तो इस टाइप का कमेंट किया करो। क्वेश्चन था आपका, मैंने बताया था ना कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, तो मैंने एग्जांपल दिया था। देखो अगर लीनियर डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर लीनियर डायरेक्शन में आप जा रहे हो, सबसे पहले ये जानो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेलोसिटी जो होता है dx/dt होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव कर सकते हो। ए जो होता है एक्सेलरेशन, वो dv/dt होता है, मतलब आप इसको वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव कर सकते हो, तो ये चीज आप समझो। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है या स्पीड आपका कांस्टेंट है, देखो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, स्पीड वही, वेलोसिटी वही, बट वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन दे देते हैं हम लोग तो वेलोसिटी हो जाता है, स्पीड में अगर डायरेक्शन नहीं दोगे तो स्पीड, और डायरेक्शन दे दोगे तो वेलोसिटी। तो ये सेम स्पीड से आगे जा रहा है, कांस्टेंट है, तो इस केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सही बात है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा कि क्या स्पीड कांस्टेंट होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, तो हाँ होगा, और अगर होता है तो क्यों होता है। तो मैंने आप लोगों को सर्कुलर का एग्जांपल दिया था, सर्कुलर मोशन, कि आप बाइसिकल से एक गोलंबर के चारों तरफ राउंड मारते हो, तो देखो ये तो सर्कुलर है, तो इसमें क्या होता है, हर पॉइंट पे मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है हर जगह पे 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है बट वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो ये टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तब, ठीक है, ऐसे करके आप जा रहे हो तब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी फिक्स था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स था 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे था 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे था 5 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे डायरेक्शन भी फिक्स था, इधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जीरो किया था। अब सर्कुलर में क्या कंडीशन हो रहा है कि यहाँ पे दो तरह का एक्सेलरेशन काम करता है, यहाँ पे दो तरह का एक्सेलरेशन काम करता है, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्यादा डिटेल्स में समझाना पड़ेगा, तो ज्यादा डिटेल्स में समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इतना जान जाओ कि टेंजेंशियल अगर एक्सेलरेशन का आप बात करोगे, अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात करोगे तो ये नॉर्मल होता है, यही फॉर्मूला dv/dt, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे आता है, सर्कुलर जब मोशन होता है तो यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन काम करता है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये होता है आपका a बराबर v स्क्वायर बाय r, ठीक है। और आप लोग फोर्स बराबर जानते हो, ma होता है
तो m रहने दो और a के जगह वी स्क्वायर बाय आर, यानी f बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो जब आप गोलंबर के चारों तरफ राउंड मारते हो तो आपको सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वैल्यू होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो एक बात बताओ आप लोग, अब दिमाग लगाओ कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन होगा, ऐसे समझो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत सारा चीज क्रॉस चेक करने से होता है। फोर्स लग रहा है, स्पीड सेम है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप कार ड्राइव कर रहे हो गोलंबर के चारों तरफ या साइकिल ड्राइव कर रहे, बट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, विदाउट एक्सेलरेशन फोर्स कैसे लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन है तभी तो फोर्स है। तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, यही चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अब अगर समझ में ना आए तो फिर से कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताएंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो मैं आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो मैं आप लोगों को रेलवे के लेवल का बता रहा हूँ। आप लोग, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हो कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग IIT JEE के लिए पढ़ाई कर रहे हो या NIT में एडमिशन लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। रेलवे का एग्जाम है तो आप लोग रेलवे पे फोकस करके पढ़ो। मुझे पता है कि रेलवे में लेवल कैसा रहेगा, उसी लेवल का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस रहेगा। आप अगर सेक्शन वाइज भी डिवाइड करोगे तो इधर आपको 22.5 मिनट्स मिलेगा और आपको 25 क्वेश्चंस रहेगा। ये आप लोग कॉमन सेंस लगाओ। इसके अलावा ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप इक्वल सेक्शन में बांटो तो 22.5 मिनट आपको मैथ्स के लिए मिलेगा, 22.5 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेगा और 22.5 मिनट आपको करंट अफेयर्स वगैरह के लिए मिलेगा। आप खुद सोच के देखो, ये 22.5 मिनट में तो मैथ बनने वाला नहीं है, इसमें लोगों को 25-30 मिनट लगेगा, इसमें लोगों को 25-30 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन तो ऐसे ही टाइम टेकिंग है, ऊपर से आपको दे दिया गया बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी टाइम टेकिंग है। आप खुद अंदाजा लगाओ ना कि लेवल कैसा होगा। इसमें भी आप बोल रहे हो कि सर हाई लेवल का न्यूमेरिकल कराइए, हाई लेवल का न्यूमेरिकल जब आने ही वाला नहीं है तो क्यों आप लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हो। आप लोगों को जितना बताया जा रहा है उतना अच्छे से करो, ठीक है। देखो डैश इज अ यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड का यूनिट ऑप्शन देखो, ये टाइम का है, ये मास का है, ये टाइम का मीटर पर सेकेंड, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब आप लोग मुझसे पहले जवाब दोगे, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ओके। चलो इफ अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इज कवर्ड इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 25 सेकेंड। देखो जैसे ही टाइम इंटरवल का बात हो तो एवरेज स्पीड का बात हो जाता है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। मैंने स्टार्टिंग में अगर कुछ ज्यादा समझा दिया है और नहीं समझ में आया तो आप लोग इग्नोर करना, न्यूमेरिकल में हम लोग जितना फॉर्मूला डिस्कस करेंगे उतना भी आप लोग समझोगे तो आप लोगों का रेलवे का प्रिपरेशन काफी अच्छा से हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कर सकते हो या टाइम इंटरवल कर सकते हो, सेम ही चीज है। तो टोटल डिस्टेंस आपका 750 और टाइम टेकन आपका 25 सेकेंड 750 मीटर। इसको आप लोग कट करोगे, 25 × 3 करोगे 75 0, यानी 30 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो 30 मीटर पर सेकेंड आंसर। चलो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डैश डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग, वेयर एज डैश डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग एंड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जा रहा है कौन बताएगा, तो स्पीड बताएगा, और किस डायरेक्शन में जा रहा है कौन बताएगा, तो वेलोसिटी बताएगा। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्शन होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। डैश डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग स्पीड, वेयर एट वेलोसिटी डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग इन अ डायरेक्शन टू वेलोसिटी। इस टाइप का क्वेश्चन ही आप लोगों को आएगा एग्जाम में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ वेलोसिटी, मेजर ऑफ वेलोसिटी, देखो यहाँ पे ध्यान से,
30 मीटर पर सेकंड भी है और 30 मीटर पर सेकंड साउथ भी है। अब आप लोग बताओ वेलोसिटी है ना, तो इसमें तो डायरेक्शन होता है, तो इसमें डायरेक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। इफ अ पर्सन वॉक एट 2 मीटर पर सेकंड फॉर 12 सेकंड ही सी वुड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ। अब बताओ क्या दिया हुआ आपका, मान लो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम तो आपका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है आपका 2 मीटर पर सेकंड इनटू 12 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट करो, 12 इनटू 2 कितना हो गया 24 मीटर आंसर। देखो ये सारा चीज मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो कि 1 सेकंड में 2 मीटर है ना, 2 मीटर पर सेकंड आप जा रहे हो, 1 सेकंड में आप 2 मीटर जा रहे हो, तो 12 सेकंड में आप डायरेक्ट 24 मीटर चले जाओगे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रेवल 50 किलोमीटर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको 50 किलोमीटर जाना है और आपका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटा में आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, तो 50 किलोमीटर आप 5 घंटा में जाओगे, ऐसे ही करके आंसर मार दोगे, लेकिन फॉर्मूला भी जानना जरूरी है क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर और टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है और स्पीड दिया हुआ 10 किलोमीटर पर आवर है ना। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 10 से 5 कैंसिल, तो 10 5 जा 50, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, तो टाइम इक्वल टू हो गया आपका 5 आवर्स। चलो ये आंसर। द डैश ऑफ अ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो देखो स्पीड जो होता है ना, ये होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो आपको बताना है इसमें, देखो अगर स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है जैसे कि ये है डैश ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे एक मिनट के लिए, मान लो ऐसे करके प्लॉट करोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा होता है ना स्लोप, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, वाई वाई एक्स होता है ना स्लोप, ऐसे करते हैं ना। तो देखो एक मिनट के लिए आप लोग ऐसे करो, यहां से मान लो एक फिक्स टाइम मैं बता रहा हूँ ऐसे करके, तो इस टाइम पे यहाँ पे थे आप और इस टाइम पे आप यहाँ पे थे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ऐसे निकालते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो ये चीज, ये चीज, ये हाइट देख रहे हो, ये आया डिस्टेंस, ये आया टाइम और ये आया थीटा। तो क्या किए हम लोग, ये और ये इसी का स्लोप निकाले ना, डिस्टेंस बाय टाइम। देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे कर रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम, तो थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप देखो टोटल डिस्टेंस और बाय टोटल टाइम, तो ये क्या निकलता है मेरा, तो ये स्पीड निकलता है मेरा, स्पीड निकलता है मेरा और यही है टेन थीटा, तो स्लोप, तो स्लोप क्या देगा, तो ये देगा स्पीड, स्लोप क्या देगा, स्पीड। ऐसे समझो, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो टेन थीटा इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, तो टेन थीटा क्या देता है, तो टेन थीटा देता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम को क्या बोलते हैं, स्पीड, यानी टेन थीटा क्या दिया, तो स्पीड दिया, टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप, तो स्लोप क्या दिया, तो स्पीड दिया, तो स्लोप हम लोगों का स्पीड देगा। ठीक है, चलो द एसआई यूनिट फॉर स्पीड इज, अब बताओ स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड। देखो इंच पर आवर भी है, सेंटीमीटर पर मिनट भी है, सब है, लेकिन एसआई यूनिट पूछा है, तो आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने बताया था कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड। हाउ फार वुड यू ट्रेवल मूविंग एट 12 मीटर पर सेकंड फॉर 3 मिनट्स। देखो कैसे समझोगे, एक सेकंड, देखो बहुत सारा चीज आप तरीका है करने का, आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक सेकंड में 12 मीटर गया है ना, तो 12 मीटर गुना 3 मिनट में कितना सेकंड होता है बताओ, तो 3 मिनट में होता है 180 सेकंड। तो आप करो कैलकुलेट, 18 इंटू 12 करोगे तो 180 और 18 दूनी 36, दंडो 216 और 1 किलो, कितना आपका आ जाएगा मीटर, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आए तो नॉर्मली करो आप, आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड कितना है 12 मीटर पर सेकंड
और टाइम कितना 3 मिनट, तो 3 मिनट को ये जो सेकंड में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो 12 मीटर पर सेकंड गुना 180 सेकंड है ना। अब सेकंड सेकंड कट करो और इंटू करो आप 12 × 180 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 2160 मीटर। तो ये हो जाएगा आंसर 2160 मीटर। चलो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन गिव यू, देखो इसमें क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और जो लोग बोलते हो ना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा, ये हाई लेवल का क्वेश्चन ही है। आपको बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखो ये टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है, तो ये क्या दे सकता है। तो नॉर्मल बात किया जा रहा है यहाँ ग्राफ के बारे में, तो एक मान के चलो आप ये ग्राफ है मैंने प्लॉट किया। तो अब देखो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि v बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, टाइम होता है। चलो तो अगर आप v इंटू t करोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा आपका, v इंटू t करोगे आप तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया जो होता है आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पे, एरिया अंडर द कर्व, ये आपका देता है, मान लो एक मिनट के लिए ये कर्व है, इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट, क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर बात करोगे आप लोग तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका डीवी बाय डीटी। तो अगर मान लो इस पॉइंट पे बात करते हैं 5 सेकंड पे और 10 सेकंड पे, तो सिंपल सा बात है ऐसे करोगे आप तो ये आपका डीवी आया, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में जितना वेलोसिटी है, यहाँ पे मान लो 10 था और यहाँ पे 15 था, तो आपका 5 हुआ ये, और ये टाइम इंटरवल है मान लो 5, तो ये आपको स्लोप आएगा, तो 5/5 करोगे तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा यहाँ से है ना, स्लोप से एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, तो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। और दो जैसे ही हुआ तो आप ऑल ऑफ द एवर कर सकते हो, लेकिन चेक करने के लिए वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ही कर सकते हो। मान लो ये ग्राफ रहता है वेलोसिटी और टाइम का, और ऐसे बात किया जाए ऐसे, अब बताओ ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो आपको ये देख करके वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ देख करके आप कह नहीं सकते हो कि हाँ इसका वेलोसिटी जो है सो 5 मीटर पर सेकंड का, मतलब वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग तीनों पता कर सकते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों गलत है, रिटार्डेशन कहते हैं और डी एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया था ना कि 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप बाइक चला रहे हो, आप जा रहे हो आगे, कार चला रहे हो आप, ठीक है, आपने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, आपका गाड़ी जो है, आपका कार जो है सो यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, स्पीड रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी रिड्यूस होगा यहाँ से, आप देखो यहाँ से वेलोसिटी रिड्यूस होगा तो निगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, और निगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ओके चलो देखो, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, तो द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम। तो जब ये आप करोगे तो टोटल डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। चलो हो गया, अब आप ऑप्शन देखो तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है आवर, आवर दिख रहा है, किलोमीटर तो है तो चलो किलोमीटर मेरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनट है तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आवर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 मिनट डिवाइडेड बाय, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 कर देंगे, समझ में आया। चलो अब करो आप लोग सॉल्व, आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा, ये जब 60 किए हो तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो 60 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खुद से आप लोग कैलकुलेट करके देखो ये मैं किस हिसाब से मीटर को आवर में चेंज किया, ये 60 ऊपर क्यों गया, ये आप लोग खुद से करके देखो, देखोगे तो लगेगा कि कर लेंगे, लेकिन करने के लिए दिया जाए तो हो सकता है फंस सकते हो।
अ बस ट्रेवलिंग ईस्ट वार्ड एट 60 मीटर पर सेकेंड टेक्स 10 सेकेंड टू कम टू हॉल्ट इट्स डिक्लेरेशन इज इक्वल टू या डी एक्सलरेशन इज इक्वल टू या रिटार्डेशन इज इक्वल टू। तो वही चीज हो गया जो आपको मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया कि 60 मीटर पर सेकेंड था और यहां तक आके ये स्टॉप कर गया, रुक गया। यहाँ पे आपका स्पीड था 60 मीटर पर सेकेंड, किसका? एक बस का, और ये रुकने में लगाया 10 सेकेंड। तो आपको क्या बताना है इसका? डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन होता है आपका वी बाई टी होता है, वी बाई टी, तो वी है 60 और आपका टी है 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, यानी 6 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन था ईस्ट वार्ड, तो ईस्ट वार्ड ही रहेगा, ईस्ट वार्ड ही रहेगा, लेकिन आपका क्या था? डिक्रीज हो रहा है ना, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा है डिक्लेरेशन के बारे में, डी एक्सेलरेशन के बारे में। तो डी एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव साइन आएगा, तो माइनस 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये घटते चला जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइनस 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वार्ड है ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वार्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, आप स्पीड एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट सीख रहे हो। दो लेक्चर अभी मिनिमम और लाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इतना करवा दिया जाएगा ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा भी नहीं सोचना है किसी भी चीज का, ट्रेड सिलेबस हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे। और सिलेबस अगर खत्म कर देते हैं आप लोगों के एग्जाम से पहले, तो भी आप लोगों का सेशन चलता ही रहेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। मतलब अगर सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं फिर भी रिवीजन आप लोगों का चालू रहेगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स आप लोग देखो, मैम काफी अच्छा बताती हैं, तो आप लोग करंट अफेयर्स देखो, काफी कुछ सीखोगे। 4 महीना बाद एग्जाम है, तो 4 महीना बाद करंट अफेयर्स भी उस पेपर में आएगा, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स नहीं आएगा, तो अभी से देखोगे तो आप लोगों को फायदा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।